अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज यहाँ आपको मंजिल एकेडमी के विषय में मैं आपको अपने व्यूज़ देना चाहूँगी। अभी मंजिल एकेडमी ने एक सेकेंड ग्रेड का कोर्स लॉन्च किया है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप वो कोर्स को ज़रूर लें। अगर आपको सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में एक अध्यापक बनना है तो वो एक मील का पत्थर साबित होगी। हम अगर देखें तो हम आजकल के एग्ज़ाम दे तो देते हैं, भीड़ का हिस्सा भी बन जाते हैं, लेकिन हमें उस भीड़ से अलहदा रहना है। एक टफ कंपटीशन का ज़माना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो मंजिल एकेडमी की वीडियो हैं वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं। मैंने खुद ने उस कंटेंट को लिया है, पढ़ा है और समझा है। बात रीड के टाइम की थी, मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं था कि मैं अपनी उर्दू की पढ़ाई अच्छे से कर सकूं, और मैं यही सोचती थी कि उर्दू बहुत इजी है, हम कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। तो मैंने शायद, मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैंने 5 दिन रह गए थे। उनकी वीडियो मेरे पास अचानक से ही यूट्यूब पर किसी ने शेयर किया था, मंजिल एकेडमी नाम से। मैंने उसको जब देखा तो माशाल्लाह, एक पढ़ाने का जो तरीका है वो काबिले तारीफ़ है मकबूल सर का। और सिर्फ उन्हीं वीडियोस से मैंने रीड में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। फिर उसके बाद मैंने उत्कर्ष ने एक डेमो क्लासेस दिया था उर्दू का, मैंने उसको देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं वो कमी खटकी। तो मुझे उसे पूरा करने के लिए मंजिल एकेडमी ने दोबारा एक सेकेंड ग्रेड का कोर्स लॉन्च किया है। उस वीडियोस को मैंने देखा तो मैंने रियली वो चीज़ मैंने गहराई से सोची कि उन मकबूल सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो पढ़ाने पर नहीं सिखाने पर जोर देता है। और अदर आप ऑनलाइन स्टडी पर जाके देखेंगे तो वो सिर्फ क्या करते हैं कि सिर्फ हमारा सिलेबस है, हमने कंप्लीट कर दिया, हमें कोई आपसे मतलब नहीं होता। लेकिन सर की अगर मैं बात करूँ, मंजिल एकेडमी की अगर मैं बात करूँ, तो हर एक पार्ट का, हर एक सबक का सबसे पहले तो PYQ एनालिसिस हो चुका है। पिछले साल 2011 से, जब से सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है, जब से सेकंड ग्रेड के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सबका एनालिसिस करके बताया है। आने वाले एग्ज़ाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सबको बोल्ड मार्क कर रखा है। और पढ़ाने का तरीका जो आप देखें तो वो दो तरीके से है मंजिल एकेडमी का, एक अपनी खुद की ज़बान में और एक उर्दू ज़बान में। अगर उर्दू ज़बान किसी को हार्ड लगती है तो वो इंग्लिश में भी समझा देते हैं और हिंदी में भी समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि अगर आप चाहते हैं सेकंड ग्रेड का एक अध्यापक बनना, तो आप मंजिल एकेडमी कोर्स को ज़रूर ख़रीदें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।